हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। सो आज है डे 6 ऑफ नवरात्रि और आज का जो कलर है वो ग्रे कलर है। सो आज के इस ग्रे कलर के लिए मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। सो या इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो कि आज का मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे फेस को प्रेप। तो मेकअप करने से पहले ना आप आपके फेस को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका मेकअप जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। तो आपको CTM प्रोसेस फॉलो करना है, दैट इज़ क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने कैलेंडुला का मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन मैंने डर्माको की मैट सनस्क्रीन यूज़ की है। गाइज, मेकअप करो नहीं करो, घर में बैठे रहो, बाहर जाओ, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। सनस्क्रीन आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी है एंड सनस्क्रीन भर भर के लगानी है। सनस्क्रीन लगाने में कोई भी कंजूसी मत करना। इसके बाद में हम करेंगे फेस को कलर करेक्ट। उसके लिए मैंने मेरा फेवरेट मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर लिया है। एंड गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेकअप में अगर कोई एक प्रोडक्ट आप मुझे सेलेक्ट करने बोलो ना, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस कंसीलर। इसका कवरेज इतना अच्छा है, फिंगर्स से ब्लेंड होता है, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड होता है, ब्रश से भी ब्लेंड होता है। उसके बाद में ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स दैट अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने मेरे फेस को कलर करेक्ट किया है। जो भी डिसकलरेशन था, जो भी डार्कनेस था, सब अच्छे से इसने कवर कर दिया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इनसाइड का फाउंडेशन। वैसे तो यहाँ पे फाउंडेशन की ज़रूरत थी नहीं, जैसे आपने देखा बहुत अच्छे से कवरेज दे दिया था कंसीलर ने। क्योंकि ये फेस्टिव मेकअप लुक है इसलिए मैंने फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने यूज़ किया है इनसाइड का ये फाउंडेशन। अगेन, वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट एट सच अमेजिंग एंड अफोर्डेबल प्राइस। तो इसका भी कवरेज बहुत अच्छा है इस फाउंडेशन का एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में हम करेंगे फेस को हाईलाइट। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है मिस क्लेयर का फेक इट कंसीलर। एंड ये कंसीलर ना अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ड्राइंग है, तो आप सेक्शन वाइज काम करो। तो सबसे पहले मैंने इसको अंडर आइज पे लगा के एक साइड पे मैंने ब्लेंड कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि मैंने दूसरे साइड पे लगा के देन इसको ब्लेंड किया। सेक्शन वाइज काम करोगे तो अच्छे से ब्लेंड होगा, नहीं तो ड्राई आउट हो जाएगा और पैची पैची लग सकता है। फॉर ब्लश मैंने यूज़ किया है लॉरियल की ये लिपस्टिक। तो इसका शेड का नाम है 121 आई चूज। तो ये लिप्स पे ना मेरे इतने ज़्यादा सूट नहीं करता है, लेकिन एज अ ब्लश दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से ये मतलब पिंकी ऐसा शेड दे देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका शेड। तो चीक्स पे लगा लेंगे, नोज पे एंड थोड़ा सा चिन पे। अभी करेंगे फेस को सेट। एंड फेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मार्स का ये बनाना पाउडर। दिस इज़ अ लूज पाउडर और इसका जो शेड है वो बनाना है। तो आप मीडियम या डस्की स्किन टोन के हो तो बनाना शेड आप पे बहुत अच्छा जाएगा, नहीं तो जो ट्रांसलूसेंट शेड है आप वो यूज़ कर सकते हो अगर फेयर स्किन टाइप के हो। इसके बाद में चलते हैं आईज़ के ऊपर। तो मैंने ब्राउन शेड लिया था और उसे मैं अपनी क्रीज पे लगा रही हूँ। एंड क्रीज अच्छे से मैंने डिफाइन नहीं किए, बस उसको कलर को लगा के मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। इसके बाद मैं आउटर वी के लिए मैंने ये पर्पल वाला शेड लिया है एंड इसको मैं अच्छे से आउटर वी पे लगा के ब्लेंड करूँगी। इसके बाद में मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का शेड और सबसे पहले मैंने इस ब्लैक कलर के शेड को पर्पल कलर के बाजू में प्लेस किया है एंड देन दोनों को आपस में मर्ज करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और जो मेरा आउटर वी है ना उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैं स्मॉल सर्कुलर स्ट्रोक्स ले रही हूँ एंड उसके बाद में विंडशील्ड वाइपर मोशन का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही तरीके से ब्लेंड नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ों से मतलब दोनों वेज से ब्लेंड करना है, स्मॉल सर्कुलर मोशन से भी एंड विंडशील्ड वाइपर मोशन से भी। तो आउटर वे डिफाइन होने के बाद में मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का काजल एंड ये सिल्वर कलर का है। शेड का नाम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जो 1/3 हमारा लिड बचा है उस पर मैं ये सिल्वर शेड लगा दूंगी एंड देन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो दिस इज़ हाउ माई आई मेकअप लुक्स लाइक सो फार। इसके बाद मैं ये ऑरेंज शेड लिया है एंड अभी मैं अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो क्रीज लाइन को अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ।
इसके बाद में मैंने लिया है मार्स का ये लिक्विड आई शेडो, एंड जो सिल्वर कलर का शेड हमने लगाया था उसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ सो दैट हमारा आई शेडो एकदम पॉप आउट होके दिखे, उसका जो ग्लिटर वाले इफ़ेक्ट्स है वो एकदम ऐसे उठ के दिखे। फॉर लोअर लैश लाइन मैंने सेम कलर यूज़ किया है जो हमने क्रीज लाइन पे लगाया था, एंड वन थर्ड पे मैंने यूज़ किया है सेम सिल्वर कलर का काजल, एंड हमारा आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको मेरे मेकअप वीडियोज़ अच्छे लगते है या नहीं। इसके बाद मैं ब्लश को सेट करेंगे पाउडर ब्लश के हेल्प से, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लश एंड दिस इज़ इन द शेड मेलो वाइन। तो पैन में ना ये थोड़ा सा अजीब कलर का दिखता है बट फेस पे लगने के बाद में बहुत सही लगता है। इसके बाद में हम लगाएंगे लिपस्टिक विच इज़ आर लास्ट स्टेप, तो लिपस्टिक के लिए मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ की है मैंने एंड दिस इज़ इन द शेड फाइटर। सो या गाइज दिस इज़ माई फाइनल कम्प्लीटेड लुक। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मैंने ये ग्रे कलर के आउटफिट के लिए ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया था। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे नवरात्रि का डे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख के आइए। मैं 9 डेज ऑफ नवरात्रि कर रही हूँ, मतलब 9 डिफरेंट मेकअप्स और 9 डिफरेंट कलर। सो या गाइज I'll see you in my next video, जो कि होने वाला है डे 7 ऑफ नवरात्रि। तो डे 7 के लिए कौन सा कलर रहेगा वो आपको कल देखने मिलेगा। I'll see you in my next video. Until then, bye bye, take care.